इस वक्त हम ले स्ट्रीट पे मेन मार्केट में मौजूद है, तो देख सकते हैं आप किस तरह से आज जो दूसरे दिन भी बंद है, तो सारे दुकानें हैं पूरे बंद है। आप देख सकते हैं किस तरह से, अदरवाइज अभी टूरिस्ट का सीज़न है तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट होते थे, अभी इस वक्त बंद की वजह से यहाँ एक का दुकान लोग ही नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये ले की स्ट्रीट है मेन मार्केट, ये सबसे भीड़ वाला मार्केट है। अब इस वक्त एक भी दुकान नहीं खुला है, हालांकि थोड़ी देर पहले जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 4-5 बजे तक वो खोल देंगे, लेकिन इस वक्त सारे मार्केट बंद है, एकदम सीजन के टाइम सुनसान पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप जो टूरिस्ट है उनको बहुत ही परेशानियां हो रहा है, क्योंकि उनको जो ट्रिप बना के आते हैं लद्दाख में जो 7 दिन का या 6 दिन का 3 दिन का, तो वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आज मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट किया गया है। काफ़ी सारे हमने न्यूज़ 18 द्वारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश किया है किस तरह से जो वुमेंस ग्रुप है वो भी स्ट्रीट पे आके जो बंद को इन्फोर्स कर रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं मार्केट कितना सुनसान पड़ा है, इस वक्त लगभग शाम के 3 बज चुके हैं, तो यहाँ पर बंद है कि असर देखने को मिल रहा है। ठीक से कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से जो मार्केट है वो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, एक का दो का लोग ही अभी है, लेकिन शाम होते होते अभी खबर मिलने को आ रहा है कि जो डिटेन किया हुआ दिल्ली में वो उनको छोड़ दिया जाएगा, इसीलिए जो 5 बजे इनको खोलने का यहाँ पर इन्होंने जो रिलीजियस बॉडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। लेकिन इस वक्त के समय में सभी दुकानें बंद है, आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में एक दुकान लोग ही नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज इसमें बहुत यहाँ टूरिस्ट हुआ करते हैं, लेकिन आज के दिन जो दूसरे दिन भी बंद का असर रहा है ले में। एक भी दुकान भी नहीं खुला अभी, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मार्केट जो ले स्ट्रीट है पूरा सुनसान पड़ा हुआ है इस वक्त, क्योंकि जो एपेक्स बॉडी ने बंद खोल दिया है उसका असर देखने को मिल रहा है क्या किस तरह से यहाँ पर बंद। तो किस तरह जिस तरह से जो बंद दिया गया है सेकेंड कंसेक्यूटिव डे भी उसका असर रहा है, आप देख सकते हैं। और हमने कोशिश किया है कि जगह जगह जाके लोगों से बात करने की, क्या इश्यूज है टूरिस्ट को, खासकर टूरिस्ट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बस सर्विस एयरपोर्ट बस सर्विस प्रोवाइड किया गया कि उनको एयरपोर्ट से पिकअप किया जाए छोड़ा जाए, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स है वो सारा भी बंद है इस वक्त आज के दिन, इवन प्राइवेट व्हीकल्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया इनकेस जो इमरजेंसी को छोड़ के, खासकर जो मेडिकल सुविधाएं के लिए व्हीकल को छोड़ा गया, अदरवाइज किसी को भी अलाउड नहीं किया गया। तो लेकिन ये जो बंद है अभी 5 बजे खुलने को उम्मीद है, उन्होंने एश्योर किया कि वो लोग रिलीज कर देंगे और इसी के मुताबिक ये जो बंद है 5 बजे लगभग ख़त्म होने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली में जो डिटेन किया वो जल्दी छूटने वाला है, उसके बाद जो बंद ख़त्म हो जाएंगे। और खासकर टूरिस्ट सीज़न के समय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुकानें बंद है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाते, तो इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जो खासकर बाहर से आया है। और खासकर यहाँ से ले से बाहर जाने वालों को भी हमने सुबह पाया गया रास्तों में एकदम चलते हुए जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद है, प्राइवेट व्हीकल्स बंद है। और हम आपको लोगों को और भी दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो बड़े बड़े दुकान है यहाँ पर मेन स्ट्रीट पर वो सारा, और छोटे मोटे दुकान जो भी है सारा बंद पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं।
अगर रूटीन डे की बात करें, अगर रूटीन डे होता, नॉर्मल डे होता, तो इस वक्त यहाँ पर बहुत हलचल होता। ये मेन स्ट्रीट है लद्दाख का, जो टूरिस्ट यहाँ पर आना पसंद करते हैं। काफ़ी सारे दुकानें भी हैं यहाँ, तो लोग पसंद आना, जो टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल्स भी आते हैं ख़रीदारी के लिए। तो इस वक्त जो आज जो है बंद, 2 अक्टूबर को बंद, जिन्होंने अपेक्स बोर्ड ने बंद कॉल दिया, तो सारे दुकानें बंद। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे साथी द्वारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से। हाँ, तो जिस तरह से मेरे साथी द्वारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से मार्केट पूरा बंद है, सिर्फ कुछ चंद सिक्योरिटी वाले ही यहाँ मौजूद है। ये जो मार्केट है, मेन लेक स्ट्रीट है, यहाँ पर बहुत भीड़ हुआ करते थे, लेकिन आज के दिन बंद के कारण बहुत ही सुनसान है, वो भी टूरिस्ट के सीज़न की जो समय है, तो इस वक्त बंद है। काफ़ी लोग परेशान भी है, खासकर टूरिस्ट को, उनको इधर उधर जाना, तो उनके लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ी देर में, यानी लगभग अभी 3 बज रहे, लगभग 5 बजे के करीब ये सारे बंद खुल जाएंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है जो रिटेन किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा पाद यात्री सोनामी हो चुकी कैदत में दिल्ली पहुंचा हुआ है, उनको रिटेन किया। साथ ही साथ जो एपेक्स बॉडी और KDA के मेंबर यहाँ से गया हुआ है, उनको भी बताया जा रहा है कि हाउस की अपने अपने जगह पर रिटेन किया गया, इस वजह से ये बंद खुल गया है। और मेरे साथी जिगमेट, न्यूज़ 18 के लिए प्लेस है।